क्षण है कि एक ऐसा हथियार जिसको जनता की रक्षा के लिए सदैव पुलिस ने इस्तेमाल किया, चाहे वो डकैतों के विरुद्ध जो डकैती उन्मूलन ऑपरेशंस चले, नक्सलियों के विरुद्ध चले या संगठित अपराधियों के विरुद्ध चले, उस सभी में ये सबसे अच्छा डिफेंसिव वेपन था जिसने बहुत कारगर रहा। लेकिन वक्त के हिसाब से और आज के परिवेश में जहां हम नॉन लीथल फोर्स की बात करते हैं, नॉन लीथल फोर्स के इस्तेमाल की बात करते हैं, वहां अब ये प्रासंगिक नहीं रहा और इसलिए आज उस राइफल को विदा करते हुए हम लोग नई जो स्मार्ट पुलिसिंग है उसके तहत नए हथियार, नए नॉन लीथल फोर्स के जो वेपन से कितने हथियार थे? 558 थी 303 की राइफल्स गौतमबुद्ध नगर में, उनको आज रिटर्न किया जा रहा है। कहाँ रखा जाएगा उनको? जो है ये बहुत ही अच्छा डिफेंसिव वेपन है और इसका बहुत ही कंट्रोल्ड फायर होता था, क्योंकि ये बोल्ट एक्शन राइफल थी, इसका बहुत ही कंट्रोल्ड फायर था। तो जो इसको जो इसका नेतृत्व था वो अपनी इच्छा अनुसार जितना यूज़ कर सकता था वो करे, और इसके जो एम्युनिशन था वो राइफल के साथ साथ LMG तक में इस्तेमाल किया जा सकता था। सर कहाँ कहाँ पर उपयोग किया गया था सर? आवश्यकता अनुसार एंटी एयरक्राफ्ट के रूप में भी।